विवेक जी, ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस है ना, वो इनबिल्ट होता है, बिजनेस माइंडसेट इनबिल्ट होता है। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि क्या ये मोल्ड किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है? आपकी दोनों बातें ठीक है, ये संस्कार से भी आता है, माता पिता से, ये बात सच है एकदम। तभी आप देखते हो पूरा का पूरा गुजरात बिजनेस करना चाहता है, पूरा बिहार सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है, तो ये संस्कारों में आता है, ये बात सही है, फर्क पड़ता है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने भी कंफर्म किया है। परंतु उसके बाद स्किल सेट बिल्ड भी किया जाता है। एकलव्य के संस्कारों में शायद धनुर्विद्या नहीं थी, पर वो स्किल सेट बिल्ड किया गया था। अगर इच्छा शक्ति आ जाए तो वो स्किल सेट बिल्ड हो सकता है, विल होनी ज्यादा जरूरी है। स्किल तो सिखाया जा सकता है, बिजनेस करना सिखाया जा सकता है। नहीं नहीं, वही बात कंटिन्यू, क्योंकि ये मैं बाद में भी आने वाला था यही सवाल पे, क्योंकि जब मैंने किसी को बताया कि मैं विवेक बिंद्रा का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ 2 दिन पहले कि मेरा शायद फाइनल हो रहा है, उन्होंने बोला यार बहुत चिल्लम चिल्ली करता है वो बंदा, तो क्या उसका पैटर्न है? मतलब कई लोग वो पैटर्न भी एक्सेप्ट नहीं करते। अर्नब गोस्वामी का नहीं लिया इंटरव्यू? हाँ लिया। लिया फिर क्या हुआ? अर्नब गोस्वामी कौन है मालूम? अर्नब गोस्वामी जब आते थे टीवी पे ना, सब बोलते थे अर्नब ये तुम क्या कर रहे हो, अपना ओपिनियन देने में लगे हो और ये ऐसा करते हो वैसा करते हो। अर्नब अपने स्टाइल पे कंटिन्यू रहे, पैटर्न बनी। अर्नब को अब आज देश फॉलो करता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आज वही हुआ, हमारे को देश नहीं पूरा पृथ्वी फॉलो कर रहा है। 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर है हमारे, आज 600 करोड़ का हमारा, क्षमा चाहता हूँ, 60 करोड़ का हमारा व्यूअरशिप है। इतना ज़्यादा ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ग्रो किया, जिस दिन पैसा खर्च करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, अभी तो ऑर्गेनिकली कस्टमर ने खुद किया है। तो जिसने आपको बोला वो ठीक बोला आपको कि यार विवेक बिंद्रा ऐसा सकता हाई एनर्जी में बोलता है, वो ठीक है। वो शुरुआत में कई लोग ऐसे मुझको बोलते थे, पर वी अंडरस्टैंड कि कस्टमर के पास समय कम है, उसको 1 घंटे का कॉन्टेंट 10 मिनट में चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, 1 घंटे का कंटेंट 10 मिनट में अगर आप कस्टमर को दे दो तो कस्टमर आपको छोड़ेगा नहीं, वापस आएगा। विवेक जी, अभी अंतिम तबका 3 मिनट है और ये शो जाना जाता है कन्फेशन के लिए। ये शो जाना जाता है जो आज तक शायद किसी को नहीं बताया, बहुत सारे आप जैसे लोग आए जो मतलब उनके बारे में कुछ जानना चाहते थे। एक ऐसा कन्फेशन जो बहुत कम लोगों को बताया या तो शायद किसी को नहीं बताया कि जहाँ पे जिल्लत मैं मतलब वो फील हुआ था, गिल्ट फील हुआ था, आज भी वो गिल्ट है अभी भी दिल में। हाँ बहुत अच्छा है, वैसे जो चीज़ किसी को भी नहीं बताया तो हम आपको भी क्यों बताएं, है कि नहीं? क्वेश्चन तो आपका अच्छा है, जब हमने नहीं बताना किसी को तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है? फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कमज़ोर था और इसलिए मुझे शुरू में तकलीफ रहती थी, लेकिन बाद में समझ में आया मैथमेटिक्स में आदमी कमज़ोर क्यों है, क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन नहीं मालूम उसको। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो हमें समझ में आया कि जिस दिन इसको अप्लाई करना सीख लिया मैथमेटिक्स को, उसके बाद मैथमेटिक्स में अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करनी है, तो मन के अंदर थोड़ा हाँ गिल्ट था कि यार मैथ में मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, तो बाद उस समय समझ नहीं आता ना मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ। आज समझ में आता है कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते आपको वो करने में मज़ा ही नहीं आएगा, मज़ा कब आएगा? तो वही है जी, आप कोई भी लर्निंग हो रही है उसको एप्लीकेशन बेस्ड करिए, तभी फ़ायदा होता है। आपके वीडियोज़ भी, इंटरव्यूज अगर ऐसे हो जाएँ जिससे आदमी के पास कुछ अप्लाई करने को मिले तो वो वापस आएगा। अगर उसको मिले कोई अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है तो हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। तो कोशिश कैसा होना चाहिए कि एप्लीकेशन बेस्ड हम लर्निंग का कल्चर। क्या विवेक बिंद्रा मानते कि बड़ा बिजनेस जो सोचा था, लोगों को सिखा भी रहे, खुद का भी बड़ा बिजनेस हो गया है, अभी नेक्स्ट गोल क्या है? क्या एक सोच अभी भी बाकी है? अच्छा प्रश्न है आपका कि दूसरों का बिजनेस बड़ा करते करते हमारा भी बिजनेस बड़ा हो रहा है। क्यों देवांग भाई मालूम? क्योंकि मैं वो हलवाई हूँ जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूँ, और मेरा ये मानना है अगर आप ऐसी मिठाई बना रहे हो जो अपने बच्चों को नहीं खिला सकते तो आपको बना के बेचने का अधिकार भी नहीं है। तो मैं वही मिठाई बनाता हूँ जो खुद भी खाता हूँ और दूसरों को भी खिलाता हूँ। नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट गोल बड़ा सरल है जी। नेक्स्ट गोल ये है कि आज देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, मेरे को भागलपुर को बॉस्टन बनाना है, मुझको पीलीभीत को पेरिस बनाना है, मुझको आज समझिए आप कि कैलिफोर्निया को मैं किसी तरीके से कैसे हमारे छोटे छोटे गाँव के अंदर ला सकूँ। आप समझिए कि राजकोट में लोग बहुत बैठे हैं, आपने इस बात किया, इज़राइल अपने स्टार्टअप से पैसा इन्वेस्ट करता है, और इज़राइल क्या कहता है, आप बिजनेस करो देवांग भाई, पैसा लगाओ बिजनेस करो, मुझसे लो 5 करोड़ रुपए, अगर तुम्हारा बिजनेस सफल हो गया तो तुमसे इनकम टैक्स ले लेंगे, और तुम्हारा बिजनेस फेल हो गया तो 5 करोड़ रुपए माफ़ कर देंगे। हमारे को ऐसा कल्चर क्रिएट करना है अपने देश के अंदर कि लोग बिजनेस में आगे बढ़ें, और देखिए देश का जो असली असर जो देश में आएगा वो करोड़पतियों और अरबपतियों से नहीं आएगा, वो आम आदमी से आएगा। आम आदमी के लाइफ में परिवर्तन ला दें,
गेम चेंज हो जाएगा।